सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माई अदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी ठीक हो गए गाइज। पिछले दिनों में ना हमारी बाइक का चलान हो गया था, हेलमेट का हमें फाइन लग गया था। आज सोमवार है, हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो हमारी बाइक की आरसी है वो वहाँ पर जमा कर ली थी उन्होंने, मेरे हेलमेट नहीं लगा हुआ था। हमारी कॉपी है, उसको लेने के लिए जा रहे हैं कोर्ट में, तो बाइक पे ही चलेंगे गाइज। सुबह इस टाइम तो काफ़ी हो चुका है, आज जाना जरूरी है, तो मुझे, मैं पहले कभी भी कोर्ट में नहीं गया, तो आज देखेंगे वहाँ का भी एक्सपीरियंस करेंगे, पर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। 100 रुपये का चलान हो गया है। सो भाई, इतना बड़ा चलान हमारा काट दिया था पुलिस वालों ने। सो भाई, अभी हम इसकी भरपाई करने के लिए जा रहे हैं, चलते हैं और बाइक का चलान भर कर आते हैं। तो ये हमारे साथ पहली बार हुआ है, क्लियर करके आते हैं। वैसे तो हमारे पास गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन बाइक के ऊपर चलेंगे। गाइज वो खड़ी है हमारी बाइक, बाइक के ऊपर चलेंगे। लाइट वाइट सभी बंद कर देते हैं। देखो गाइज, सभी कुछ बंद हो गया। फाइनली गाइज शटर को लगा दिया है, अभी चलते हैं बाइक के ऊपर, देखते हैं कि आज काम बनेगा या नहीं। तो हम अपनी बाइक के ऊपर चलेंगे। हेडफोन उठाना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते हैं। सगा जी, मैंने मुंह को कुछ इस तरीके से ढक लिया है, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, इसीलिए मैंने फेस को कुछ इस तरीके से ढक लिया है। और मैं ना दुकान से एक दो आइटम निकालनी भूल गया, एक तो हेडफोन निकालने थे और दूसरा मुझे ऐनक निकालनी थी, और अभी दोबारा फिर से। खोलना पड़ेगा इसको। सो फाइनली हेडफोन और ऐनक मैंने पता नहीं यार कहाँ पर रख दी, और ये रही हमारी ऐनक। और इसको अभी दोनों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, और अभी चलते हैं। सुबह चेक कर लेते हैं कहीं पर लॉक लगा ही ना हो। कोर्ट में लगभग हम पहुंच ही गए हैं। yeah. तो फाइनली भाई मोटरसाइकिल को यहां पर लगा दिया है और पहुंच चुके हैं कोर्ट में। तो फाइनली भाई ऊपर जा रहे हैं, तो मेरे साथ है मक्खन डाउन, हम दोनों जा रहे हैं भाई। चलो देखते हैं भाई क्या बनता है आगे पहुँच कर। हम पहली बार आए हैं भाई यहाँ पर, तो अभी हमें कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है, लगता है और ऊपर जाना पड़ेगा। धीरे धीरे चलते हैं भाई। सुबह ये मैंने पढ़ना इसीलिए ऐसे रखा है कि मैं गरीब लगूँ। तो चलो सुबह, यह आज का तो कैंसिल हो गया है, मुझे अगले संडे आना है यहाँ पर। अंदर से कोर्ट दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से होती है, और ये खाली पड़ी है, यहाँ पर कोई है तो नहीं। लेकिन अफसर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला है कि अगले संडे आना है। चलो गाइस चलते हैं इसी के साथ नीचे। और लेकिन हमारा, मुझे लगता है कि इसी तरीके से हमारे काफ़ी गड़े लगने वाले हैं। और हाँ, मक्खन को लगता है भूख लग रही है, इसको खिला कर लाता हूँ कुछ है रे बाबू। तो वहाँ पर खड़ी है हमारी बाइक, तो चलते हैं वापस। तो
तो मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो जाते जाते कुछ खा कर जाएंगे। सुबह ये मेरे उस्ताद की और मक्खन की वर्कशॉप है। खबरू पवान जोगा ही है लेकिन हम तो चलते हैं भाई यहाँ से। अभी मुझे जाना है यहाँ से वहाँ तक। फाइनली गाइस शॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो दो हफ्ते के बाद किया है कि दो हफ्ते के बाद आना है हमको, कि अभी हम घूमने के लिए नहीं जा सकते, उतने दिन वेट करनी पड़ेगी कि जितने दिन बाइक की आरसी नहीं आती। आज मेरे ना हेलमेट नहीं लगा हुआ था, तो इसीलिए मेरा चलान हो गया था। सो गाइस बाइक की कॉपी हमें दो हफ्तों के बाद मिलेगी, तो उतने दिन हमें वेट करना पड़ेगा और हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। इसीलिए हम या लोकल तो चला सकते हैं बाइक को, लेकिन हम जब हमें दूर जाना पड़ेगा तो हम दूर नहीं जा सकते, तो अभी हमें वेट ही कर सकते हैं। तो गाइस अभी पानी वानी पीते हैं और थोड़ी रेस्ट करते हैं, और फिर वो सामने जो गाड़ी खड़ी है फिर उसका काम स्टार्ट कर देंगे गाइस। और फैन को चला दिया है और 10 मिनट आराम करेंगे, क्योंकि गाइस बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और सो गाइस जिसने मेरा जोलो चिप्स वाला ब्लॉग नहीं देखा वो जोलो चिप्स वाला ब्लॉग जरूर देख ले गाइस, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा ब्लॉग है और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा समय भी लगाया है। तकरीबन वो 25 मिनट का ब्लॉग होगा, तो वो गाइस जरूर ब्लॉग देख लेना। तो फाइनली गाइस गाड़ी का काम हो चुका है और अभी चलते हैं गाड़ी को छोड़ने के लिए। इसका थोड़ा सा सामान लेकर आए थे गाड़ी का, बाकी गाड़ी का काम कंप्लीट कर दिया है, तो चलो चलते हैं भाई गाड़ी छोड़ने के लिए। सुबह जी इसकी एसी की प्रॉब्लम थी, वो एसी वाला काम हमने बिल्कुल ओके कर दिया है इसका, तो अभी इसमें दोबारा दिक्कत आने के चांस नहीं है। तो चलो भाई यहीं पर छोड़नी है गाड़ी। तो
फाइनली सुबह ही गाड़ी को हमने कस्टमर के यहाँ छोड़ दिया है। सुबह दिन में हमने काफ़ी सारे काम किए हैं तो उससे हमें भूख लग चुकी है, तो अभी हम इस शर्ट को चेंज कर लेते हैं और फिर कुछ खाने के लिए चलते हैं। गैस मेरा मन पूरा है कोल्ड कॉफ़ी पीने का, सुबह कोल्ड कॉफ़ी पीने चलते हैं और साथ में कुछ खाएंगे। चलो चलते हैं गैस, चेंज करके फेस भी धो लेते हैं, शर्ट दूसरी पहन लेते हैं और फिर चलते हैं गैस। सो फाइनली गैस अभी चलते हैं, अभी हमने वाइट शर्ट पहन लिया और फेस भी धो लिया है, तो चलो चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। सुबह बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, सुबह ये देख रहे हो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है, सब कुछ वाइट वाइट सा लग रहा है और आसमान भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, अभी नॉर्मल मौसम हो चुका है। सुबह बाज़ार में आते ही भीड़ शुरू हो चुकी है और अभी मुझे यहाँ जैसे तैसे करके यहाँ से बाइक निकालनी पड़ेगी। ना एक कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी तो कर रहे। सुबह यहाँ भी हमारे बर्गर एंड कॉफ़ी आ चुके हैं। सुबह कोल्ड कॉफी एंड बर्गर दोनों को फिनिश कर दिया है, काफी मजा आया खाने में दोनों को। के बाद और कोल्ड कॉफी पीने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं शॉप के ऊपर, अभी हम आधा घंटा बुक पड़ेंगे। सुबह मौसम भी काफी बढ़िया हो चुका है और माहौल भी काफी शांत है, तो अभी हम पढ़ते हैं बुक, तो चलो गाइस बुक लेकर आते हैं। हम वो वाली लाइट भी लगा देते हैं, फाइनली दोनों लाइटें चल चुकी हैं और फैन भी हमने चला दिया है और अभी हम हमारी पुस्तक लेकर चलेंगे बाहर। और गाइस अभी मैं बाहर बैठने वाला हूं, तो अभी हम क्या करते हैं फैन को तो बंद कर देते हैं। मैंने कुछ इस तरीके की स्विच लगाई है, इसको ऐसे बंद कर देते हैं और अभी हम चलते हैं कुर्सी को लेकर बाहर और फिर हम बुक पढ़ेंगे। काफ़ी आधा घंटा तो बुक पढ़नी चाहिए गाइस हमें, इससे हमें काफ़ी अच्छी बढ़िया जानकारी मिलती है गाइस, कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो चलो गाइस आधा घंटा घंटा को बुक पढ़ेंगे। गाइस बुक को हमने काफ़ी समय पढ़ा, तो गाइस बुक में हमें काफ़ी सारी बातें सीखने के लिए मिली। अभी मैं आपको भी यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी मेरी उम्र के लड़के हैं उनको कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, किसी ना किसी चीज़ के रिलेटेड कोई ना कोई बुक पढ़ते रहना चाहिए। तो इससे ना अभी हमें मोबाइल का कम यूज़ करना चाहिए, मोबाइल को कम देखना चाहिए और मोबाइल को देखने की बजाय हमें कोई बुक रीड करनी चाहिए, कोई बुक पढ़नी चाहिए। इससे ना हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, वो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें मोबाइल से नहीं मिलती हैं, सीखने को मिलेंगी बुक में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक को पढ़ना चाहिए। सो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस।
अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे गाइज। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे काम किए आज, और हम सबसे पहले हम कोर्ट गए और फिर हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत खाया, लेकिन फिर हमने आकर गाड़ी का काम किया। तो गाड़ी का काम करने के बाद हमने फिर कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए चले गए, और फिर गाइज हमने आकर बुक को पढ़ा, और फिर गाइज काफ़ी सारे काम किए हमने। और चलो गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय गाइज। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज़।